दो लोग जो राजनीतिक रूप से परेशान हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, उनकी परेशानी को टोन डाउन करने का प्रयास हो रहा। डी जी और अमित शाह जी की गुजरात से यही पॉलिटिक्स रही थी, वो इस पॉलिटिक्स को देश पे लागू करना चाहते। गिरे हुए लोग, विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं, चूंकि तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी, अब परेशान हो गए। देखिए, पता नहीं चल पा रहा है, ये तो पारदर्शिता का अभाव है। ये पूछताछ हो रही है, हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। दो लोग जो राजनीतिक रूप से परेशान हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, उनकी परेशानी को टोन डाउन करने का प्रयास हो रहा। ये सारी चीज़ें थोड़ी देर में साफ होंगी, लेकिन ये स्पष्ट है। आप देख लीजिए, सब हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं। बिहार में एक स्वतः स्फूर्त उभार है और लोग जान रहे हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स की जो हद पार की है ना मोदी जी और अमित शाह जी ने, इसकी शुरुआत उन्होंने की, खात्मा कोई और करेगा। कल लालू यादव जी को, आज तेजस्वी यादव, उधर झारखंड में हेमंत सोरेन, आप तीन ही राज्य, दो ही राज्य मत देखिए, अलग अलग राज्य देखिए, जो सबसे मजबूत नेता और दल हैं वहाँ के, उनको किस प्रकार उलझाने और प्रताड़ित करने की कोशिश हुई। तो मोदी जी और अमित शाह जी की गुजरात से यही पॉलिटिक्स रही थी, वो इस पॉलिटिक्स को देश पे लागू करना चाहते हैं। हर दवा की एक एक्सपायरी डेट होती है, इनकी राजनीति का भी एक्सपायरी डेट बहुत पास है। सरकार की इसके बाद जिस तरीके से कंटिन्यू दो दिन से आप लोग से लोगों से पूछताछ हो रही है, क्या कोई देखिए सर गिरफ्तारी की? गिरे हुए लोग सरकार क्या गिराएंगे, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, गिरे हुए लोग विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं, चूंकि तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी, अब परेशान हो गए। यही केस क्या है साहब, क्लोजर में था। रेलवे की बात करते हो, रेलवे कॉम्प्लेनेंट नहीं है। तो अगर कुल मिलाकर अगर विश्लेषण करें, आप लोगों के पास तो बड़ी टीम है, आपको लगेगा कि सिवाय राजनीतिक उपकरण माध्यम से साधने के और कोई उद्देश्य नहीं है। ED = BJP = मोदी जी एंड अमित शाह जी।